हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दुश्मन अगर आपको अचानक से इस तरह पकड़ ले, जैसे ही आपको इस तरह से पकड़ ले, पूरा पावर से गला आपका दबा दे ताकि आप छुड़ा ना सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मजबूत पकड़ का बहुत ही आसान टेक्निक बताऊंगा। भाई, इससे पहले भी मैं एक दो टेक्निक बता चुका हूँ इस टॉपिक पर, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। भाई, आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक है। दुश्मन को किस तरह से जमीन पर गिरा के मारना है फेस पंच, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ साथ हॉस्पिटल भेजने भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए खुशी से लाइक, नहीं तो आप भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी सीख सके और अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। तो भाई, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं सिखा देता हूँ किस तरह आपको सेल्फ डिफेंस करना है, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो। ध्यान से देखिए, जैसे ही आपको इस तरह पकड़े तो करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ये वाला जो हैंड है, इस तरह से ला के इस तरह से पकड़िए, उसके बाद ये वाला जो हैंड है, इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से गिरा देना है। देखिए कितना सिंपल है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, सिंपल टेक्निक बताऊंगा लेकिन खतरनाक है। देखिए भाई, जैसा मैं आपको बोला सेम वैसा है। उसके बाद देखिए करना क्या है, मारना है पूरा पावर से फेस पंच। अगर आप यहाँ पर ये जो है चिन, अगर आप यहाँ पर मारेंगे पूरा पावर से इस तरह मारेंगे, इस तरह का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप इस तरह भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह मारते हैं तो दुश्मन का दांत भी टूट जाएगा और जीभ भी कट जाएगा। तो दोस्तों, इसी टेक्निक को मैं और भी अच्छे तरीके से स्लो सिखाऊंगा अब, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपको अचानक से पकड़े तो करना क्या है आपको, अब से इस तरह से हैंड लाइए, इस तरह से पकड़ना है और इस हैंड को यहां लेके जाइए और इस तरह से आपको गिरा देना है, फिर मारना है पूरा पावर से फेस पंच। ठीक है दोस्तों, मार के दुश्मन को हॉस्पिटल भेजना है, तभी आपको रुकना है। अगर आप नहीं मारिएगा तो दुश्मन आपको मारेगा, अगर आप छोड़ दीजिएगा तो दुश्मन फिर आपको नहीं छोड़ेगा, आपको गिरा के फिर देगा और फिर आप जाइएगा हॉस्पिटल। इसलिए आपको ही मारना है और दुश्मन को हॉस्पिटल भेजना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए।